पहले तो मैं जानना चाहूंगी शनिदेव जो शो है, शनिदेव के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय है जो सबकी राय होती है। शनिदेव से कर्म फल दाता है वो, और सब लोग अपना बड़ा शनि चेक करवाते रहते हैं कि शनि की क्या दशा चल रही है, साढ़े साती लगी है, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं। कभी भी मुझे इनकी ज्यादा नॉलेज नहीं रही है ऑनेस्टली, ना मैंने कभी किसी से पता किया है। और मेरे फादर ने मुझसे हमेशा बोला है कि अपने दिल से भगवान की प्रेयर करते रहो, दिल से डिसाइड करो कि आप सबके साथ अच्छा ही करोगे, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मैं बचपन से ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ आज तक भी, तो मेरे डैड ने मुझसे बोला है कि शनिदेव जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर अपनी कृपा थोड़ी एक्स्ट्रा बरसाते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल नाइस। ओके, बात करें जैसे कि शो का टाइटल है सुख दुख सब अपने हाथ, अच्छे कर्म करो कर, तो ये टाइटल के बारे में क्या कहना चाहिए? बिकॉज पहले भी शनिदेव के काफ़ी सारे शो आ गए अलग जी अलग टाइटल्स जी से, तो इस टाइटल में क्या यूनिकनेस आपको दिखाई देती इस है? टाइटल में और इस स्टोरी में यही यूनिकनेस है कि कैसे शनिदेव डिसाइड हुआ कि वो गॉड, शनि से वो एक गॉड बन जाएंगे। शनिदेव, ये डिसाइड हुआ कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप लोगों को उनके कर्म का फल दीजिए। और हमने उनकी स्टोरी वहीं से बताई है कि कैसे शनि शनिदेव बने। ऑल्सो मुझे लगता है कि हमेशा से हम सबको पता है कि अच्छे काम करो तो आपको अच्छा, अच्छा मिलेगा, और बुरा काम करो तो बुरा मिलेगा। सो ये जितने भी लोग हैं जो शनिदेव को दंड भय दाता और दंड देने वाले दंडाधिकारी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उनका बहुत सीधा सा लॉजिक है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि उनको शनिदेव का दंड मिल रहा है तो इसीलिए मिल रहा होगा क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी के साथ किसी सर्कमस्टांस में गलत किया होगा, तो उसका कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और बाकी आप उनकी पूजा करते रहिए, अच्छी चीजें करते रहिए, तो आपके वो कर्म कट होते जाते हैं। सो मुझे और इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी इस शो में बहुत कुछ सीख रही हूँ। जब डायलॉग्स आते हैं, सीन्स आते हैं, तो मुझे खुद एज अ पर्सन बहुत कुछ जानकारी मिल रही है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जनरेशन को हमारी ये स्टोरी सच में पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं हमारे कल्चर की जो हम सबको जानना जरूरी है। एंड यस, आई एम गेटिंग टू लर्न दैट, एंड आई होप कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगे कहानी देखकर। आपके किरदार की बात करें तो इस शो में किस तरह किरदार है और कैसे नजर आने वाले हैं आप? मैं शनिदेव की धर्मपत्नी हूँ दामिनी, और दामिनी एक गंधर्व प्रिंसेस है जो कि जानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी कला के लिए। शी इज द गॉडेस ऑफ कला, तो बहुत ही कला उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, और शनिदेव को बहुत ऑब्वियसली प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इज्जत करती हैं। वो जानती हैं कि दुनिया शनिदेव को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाई है, तो वो चाहती है कि शनिदेव जो हैं कि वो कर्म फल दाता है, उनको उनसे डरे ना बल्कि उनकी सही उनको सही तरीके से समझ पाए दुनिया। सो आई थिंक यही है दामिनी बात करें डायलॉग्स की तो काफी ज्यादा शुद्ध हिंदी का उच्चारण जी। है, तो किस तरीके की मेहनत करनी पड़ी है आपको? मेहनत डायलॉग बोलने से ज्यादा रटने में होता है, बिकॉज चाहे कितना भी उसको समझ लो, ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोल दो जो मैं नॉर्मल डेली सोप्स में आप कर सकते हो। तो डायलॉग को बहुत अच्छी तरीके से याद करना और उसको स्पष्टता के साथ बोल पाना ये जरूरी है। बट आई थिंक क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही रही है, मैं आगरा से हूँ, यूपी से हूँ, हमारी मतलब हिंदी एज सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, सो आई डोंट फाइंड इट दैट चैलेंजिंग। ओके, बात करें को स्टार की तो इनके साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको? विनीत और सुहासी दोनों के साथ ही ये मेरा फर्स्ट शो है। मैंने इससे पहले मैं उन दोनों के साथ कभी ना काम किया है ना हमारे ना मैंने मैं उनको जानती नहीं थी, बट डेफिनेटली दोनों बहुत ही अच्छे हैं अपने अपने काम में, और जितना भी वक्त मैंने अभी तक बिताया है उन लोगों के साथ मज़े आ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं और वक्त उनके साथ बिता पाऊँ ऑफ स्क्रीन, क्योंकि ऑन स्क्रीन बहुत बड़े बड़े सीन्स आते हैं तो आपको काफ़ी वक्त जब वो सेटअप चल रहा होता है तो आप, एंड आई एम नॉट समवन जिसको कमरे में बैठना अकेले पसंद हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने को एक्टर्स के साथ थोड़ी मस्ती करूँ, बातें करूँ। बात करें लुक की तो किस तरीके का आपका लुक लोगों को नजर आएगा? हैवी ज्वेलरी है, किस तरीके का क्या है बहुत ही कॉम्बिनेशन? प्रिंसेसी लुक है, बहुत ही प्रिंसेस की एक
गंधर्व प्रिंसेस जैसी दिखनी चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल टियारा मुकुट है, हेड गेयर है, ज्वेलरी ऑब्वियसली उस टाइम की हम स्टोरी दिखा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी है, लुक बहुत ही सुंदर दिया गया है। एंड रोज उस लुक को गेटअप को लेने में ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग मेरे आजू बाजू रहते हैं, वो सब कलेक्टिवली मुझे दामिनी के अवतार में ढालते हैं एंड यस अच्छा लगता है। आई होप स्क्रीन पर भी बहुत ही खूबसूरत लगे आपको दामिनी। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए कहना चाहूँगी कि मुझे मतलब आई थिंक एक एक्टर फैंस के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता और मुझे हमेशा से बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हमेशा मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो आई होप कि ये मेरा नया चैप्टर भी आपको पसंद आए। कर्माधिकारी शनिदेव जो आने वाला है शिमारू टीवी पर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे, तो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। Hi, this is Aparna Dixit. Keep watching CineSpeaks.